गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी पेपर डिस्कशन होगा हमारा। कल जो है आपका पेपर हुआ था, 12/4 का जो पेपर है उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप आपसे अच्छे से बना होगा सब कुछ, मार्क्स भी अच्छे आए होंगे आपके। पेपर ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ था, ज़्यादा आसान भी नहीं था। आपको जो पढ़ाया हुआ था उसमें से सारा कुछ था, ठीक है, सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ था। एक एक क्वेश्चन यदि आप नोट्स को फॉलो किए होंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके बने होंगे, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 क्या बोलता है, ठीक है, 26 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोल, डायोल का मतलब क्या हो गया, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ, एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनेंसियोमर, ठीक है, पेयर ऑफ इनेंसियोमर, यानी कि एक तरफ से इनेंसियोमर किसका आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा बोल रहा है कि सिस 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइपोल, ठीक है, सिस यानी कि दोनों तरफ क्या रहेंगे, CH3 रहेंगे 1,3, तो एक तरह से ये आपका हो जाएगा, ऐसा हम बना दे रहे हैं, ये H और ये CH3, ये H और ये CH3, और 1,2,3 बोल रहा है ना तीसरे पर, तो ये आ जाएगा आपका CH3 और ये H, इस तरीके से तीसरे वाले। तो यदि हम इसका देखेंगे और इसमें क्या आपने को मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें देखने को मिलेगा, ये इधर से कट करेंगे तो CH3 पे आ जाएगा और H पे आ जाएगा, तो इसमें POS मिल रहा है, और POS मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव ये होगा, ठीक। दूसरे की यदि हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बोलता है ट्रांस 1,3 साइक्लो एक्सेंट डायोल, ठीक है, तो ट्रांस बोलता है इसी को, यदि हम ट्रांस रखते हैं ऑप्शन नंबर ये ए था, यदि हम बी की बात करें तो ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, ये ट्रांस रखना पहला और तीसरा, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है, तो एच और ये आपका CH3, ये क्या हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा एच, 1,2 और 3, ये देखिए दोनों पोजिशन कहाँ पे है, ट्रांस में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यदि आप इससे ऐसे भी यदि जाते हैं तो ये CH3 के नीचे कौन आ जाएगा आपका, H आएगा, और वो H के बगल में क्या आएगा, मतलब ये इधर इमेज आपका क्या बनेगा, CH3 के सामने आपको क्या नजर आएगा, H, और H के सामने क्या नजर आएगा, CH3। तो ये जो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, एक वैसे इमेजिनरी प्लेन से हम लोग कट करते हैं जिसमें कि क्या हो जाए, दोनों पार्ट जो है एक दूसरे का एकदम मिरर इमेज बने, तो ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, और ये नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या बनेगा आपका, मिरर इमेज भी बनेगा, और मिरर इमेज जो रहेगा वो नॉन सुपरइम्पोजिबल रहेगा, इसका मतलब दोनों ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे और दोनों क्या कहलाएंगे आपके, इनेंसियोमर्स, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें, तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ काइरल, ठीक है, काइरल कौन सा है, काइरल कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है, काइरल कंपाउंड के लिए हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले तो यदि किसी का एक काइरल सेंटर हो जाए, और यदि काइरल सेंटर है और उसका यदि हम लोग मिरर इमेज बना रहे हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, काइरल कंपाउंड कहेंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात कहते हैं कि काइरल कंपाउंड होने के लिए काइरल कार्बन की आवश्यकता नहीं है, काइरल कंपाउंड होने के लिए क्या होना जरूरी है, तो असिमेट्री होना जरूरी है कंपाउंड में, POS, COS या किसी प्रकार की यदि सिमेट्री नहीं पाई जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और वैसे कंपाउंड को हम लोग काइरल कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पर ABCD जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें डी ऑप्शन साफ नजर आ रहा है कि काइरल है, उसमें सिमेट्री देखने की जरूरत नहीं, उसमें यदि कार्बन जो है स्ट्रक्चर, यदि हम डी ऑप्शन की बात करें डायरेक्ट सी, और यहाँ आपका एड्रेस एफ, यहाँ पे आपका ये है PR, और यहाँ पे ये आपका है CL, ये, और नीचे में यह आपका हाइड्रोजन, तो कार्बन का चारों वैलेंसी यदि सेटिस्फाइड रहेगा डिफरेंट ग्रुप से, ठीक है, ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड इन द डिफरेंट ग्रुप्स और एटम, देन दैट कार्बन इज कॉल्ड काइरल कार्बन। और यदि कहीं भी एक काइरल प्रेजेंट है, ये बताए थे हम कि एक काइरल प्रेजेंट है तो वो डेफिनेटली जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा और काइरल कंपाउंड ही कहा जाएगा। तो ये इसका मिरर इमेज क्या होगा आपका, जो भी इसका मिरर इमेज हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपरइम्पोजिबल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो इसको हम लोग काइरल कंपाउंड कहेंगे।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 28 के लिए भी हम बात करें, 28 क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, और 28 में क्या होता है, आइडेंटिफाई मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में यदि हम जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3। ठीक है, CH3 ये रहेगा तुम्हारा Cl H पर H Cl, ठीक है, और Cl और H ऑप्शन नंबर ए। और हम क्या कह रहे थे कि मेसो कंपाउंड किसको कहते हैं, एटलीस्ट टू पैरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए उसमें, सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें होना चाहिए। वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, मेसो कंपाउंड कहते हैं। और मेसो कंपाउंड का जो मिरर इमेज बनता है वो आइडेंटिकल होता है, कॉन्फिगरेशन यदि ऊपर आर है और नीचे एस है, जाहिर सी बात है मेसो में रहेगा, तो उसका मिरर इमेज वाला भी जो आएगा वो आर और एस ही आएगा, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा यदि आप देखेंगे तो। लेकिन वही कंज्यूमर में क्या हो जाएगा, आर का मिरर इमेज एस और एस का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें बेटा क्या आपको नजर आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दो काइरल भी है, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा यदि हम मिरर इमेज बनाएंगे तो। वही दूसरा ऑप्शन यानी कि ये दोनों नहीं चलता है, बी की बात करें तो बी आपका क्या नजर आएगा, CH3। ठीक है, ये आपका सोर्स प्रोजेक्शन दिया हुआ है CLH, और ये उल्टा वाई, सॉरी ये उल्टा वाई और ये सीधा वाई दिया हुआ है HCl और ये CH3, सोर्स प्रोजेक्शन दिया हुआ है। ये दो काइरल सेंटर हैं, ठीक है, ये भी काइरल है और ये काइरल है, तो देखेंगे क्या करेंगे इसको, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, फिशर प्रोजेक्शन में। सोर्स टू फिशर हमने बताया था किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, ठीक है, तो इसी का हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, जो आगे लिखा हुआ मान लेते हैं इसको फ्रंट वाला है और ये वाला आपका रियर, फ्रंट का वाला है रियर का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका CH3। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में ऊपर वाला जो काइरल वो लिख रहे हैं जैसा है वैसा लिखो Cl और H, ये बताए थे ना, और नीचे में ये आपका क्या नजर आ रहा है CH3, तो ये नीचे आया है CH3, नीचे वाले को नीचे लिखे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग चेंज कर देंगे, ये वाला क्या बोले ना आइटा पट्टी करने से चेंज करना होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका H और ये सॉरी Cl और ये आ जाएगा आपका H। तो यहाँ पे देखेंगे ये दो पैरल सेंटर पर है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है QH यहाँ मिल रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका मेसो कंपाउंड होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, मेसो कंपाउंड, उसका मिरर इमेज जो भी बनेगा, ठीक है, मिरर इमेज जो भी बनेगा वो क्या रहेगा, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल, इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग चले जाएं 29 में, 29 जो है काफ़ी कई बार सेट्स आपको दिया हुआ है, कई सारा चीज बुक्स में भी, कई जो बुक्स आप फॉलो कीजिएगा उसमें आपको ये क्वेश्चन नजर आता है, अच्छा क्वेश्चन है, बोलता है रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक ये, ठीक है, साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है, एक जगह यहाँ डबल बॉन्ड, तो इसका यदि हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा X और H, ये क्या आ रहा है आपका सिस फॉर्म, ये कौन सा है सिस फॉर्म। ठीक, और दूसरा वाला जो बनाया हुआ है वो आपका बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा ऐसे करके बनाया हुआ है, तो ये बेसिकली इसका है ट्रांसफॉर्म। देखेंगे ये वाला, ये वाले, ये दोनों के बीच ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, तो इसका क्या बोलते हैं, इधर कॉर्नर है उधर हाइड्रोजन निकला, तो ये हाइड्रोजन इधर निकला, ये हाइड्रोजन इधर निकला, तो दोनों हाइड्रोजन से डायलिसिस, इज दैट क्लियर? और यदि हम ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये यहाँ निकलेगा और ये यहाँ निकलेगा, दैट इज ट्रांस, और दोनों का हेड नंबर ऑफ कार्बन जो है आपको सेम नजर आएगा। ठीक है, यानी कि सेम ही दोनों मॉलिक्यूलर का होगा है, लेकिन क्या है दोनों में सिस और ट्रांस मटेरियल आइसोमेरिज्म पाया जा रहा है, और हम बताएं आपके कॉपी में स्टेटमेंट भी है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होंगे सिस और ट्रांस वो था आपका डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, सिस और ट्रांस आपस में क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, इसका आंसर इज ए। ठीक, आगे भी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30, तो विच ऑफ द कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड इज काइरल, तो इसमें डी है, काफी आसान सा ये क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना नहीं समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अकाइरल, ठीक है, और तो इट कंटेन काइरल सेंटर, तो वैसे आपको कंपाउंड का नाम बताना, वैसे आपको कंपाउंड बताना है जो कि अकाइरल है, अकाइरल यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन फिर भी उसमें काइरल सेंटर प्रेजेंट है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 28
8 में डिस्कस सॉरी 28 में ही डिस्कस किया है मेजो पूछा है तो मेजो कंपाउंड क्या बिल्कुल बेटा आइडेंटिकल होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और साथ ही साथ एटलीस्ट टू काइरल सेंटर भी चाहिए तो वही क्वेश्चन ये लैंग्वेज में पूछ दिया ये अकाइरल है और साथ ही साथ उसमें काइरल सेंटर भी है तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में एक काइरल सेंटर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में दो काइरल मिल रहा है सॉरी ऑप्शन नंबर ए में काइरल मिल रहा है और एक ही काइरल है तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि यदि एक काइरल है तो वो डेफिनेटली क्या होगा काइरल कंपाउंड होगा व्हिच इज ऑप्टिकली एक्टिव और बी वाले में आपको क्या मिल रहा है दो काइरल नजर आ रहा है लेकिन दो काइरल जो है वो असिमेट्री यहां पे आप देखेंगे ठीक है ठीक है आपको क्या मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी बी वाले में क्या नजर आ रहा है CH3 और ये आपका आएगा CH3 ठीक है HOH OH X तो ये क्या है इसमें POH तो नहीं मिल रहा है और दो काइरल सेंटर है तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऑप्शन नंबर सी में आएंगे तो ये चीज एक्सचेंज है एक्सचेंज यानी यहां भी क्या नजर आ रहा है H और यहां भी क्या नजर आ रहा है OH ऑप्शन नंबर सी में तो अब इसमें क्या मिलेगा आपको देखेंगे POH जो है वो मिलेगा और POH मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा मेसो कंपाउंड कहलाएगा और एक तरह से अकाइरल हो गया ठीक और एक कंडेंस काइरल सेंटर क्वेश्चन नंबर 32 में आएंगे तो बोलता है विच ऑफ द कंपाउंड इज रिजॉल्वेबल यानी कि आपको क्या करना है काइरल कंपाउंड नोट बुक में एकदम छपा हुआ क्वेश्चन है ठीक है मतलब ऑप्शन जो है वो आपका एकदम लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी ठीक हम क्या बोलते हैं कि दोनों यदि सेम ग्रुप है जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में यदि आप देखते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर ए में यदि आप देखते हैं तो यहां क्या है बाइफेनाइल वाला केस जो हम लोग देखे थे उसकी बात हो रही है NO2 और ये चला जाएगा NO2 और ये SO3H बल्कि ग्रुप है और बल्कि ग्रुप होने के कारण क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा प्लेन अपना चेंज करेगा तो क्या बता रहे जस्ट ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर एक दूसरे के ठीक तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप यदि इसमें दो ग्रुप यहाँ और ये ग्रुप दोनों सेम है तब तो आपको क्या मिलेगा बेटा POH मिलेगा क्योंकि जब हम ये वाला प्लेन से काटेंगे ये वाला प्लेन से काटेंगे तो ये कट के बाहर निकल जाएगा ये SO3H ये SO3H आपस में क्या शो करेंगे जस्ट मिरर इमेज शो करेंगे यहाँ ठीक है और वही NO2 वाला ये वाला चीज जो है दोनों सेम है तो यदि इस बार हम ये NO2 वाला हम ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे तो इस बार यदि हम ये प्लेन से इसको कट करते हैं तो ये NO2 और ये वाला NO2 एक दूसरे का क्या बनेगा बेटा मिरर इमेज बनेगा तो इसमें POH आपको मिल रहे हैं ठीक है तो POH आपको मिल रहे हैं तो ये आगे क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव नॉन रिजॉल्वेबल कहेंगे हम लेकिन यदि हम जाएंगे इसमें इसमें यदि आपका हो जा रहा है SO3H ये और ये NO2 ठीक है तो इसमें इस बार क्या होगा दोनों डिफरेंट हो गए तो इस तरीके से तो है यहाँ SO3H यहाँ पे NO2 अब यदि हम ये वाला प्लेन से कट कर रहे हैं तो इधर क्या आएगा NO2 यहाँ क्या आएगा SO3H सेम उसी प्रकार से यदि ये ऐसे और ये वाला प्लेन से हम कट रहे हैं यहाँ पे NO2 और यहाँ पे SO3H तो दोनों जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनता हुआ नजर आ रहा आफ्टर यदि हम एक इमेजिनरी प्लेन से हम कट कर रहे हैं तो ठीक है तो इसीलिए फिर ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव इसमें कोई POH नहीं मिलेगा ऑप्टिकली एक्टिव और ये रिजॉल्वेबल कहलाएगा बाकी सी और डी में तो कुछ कहना ही नहीं है बाई फेनाइल वाला केस है लेना था और वो उसमें POH पाया जा रहा है ठीक क्वेश्चन नंबर 33 में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 में बोलता है नंबर ऑफ काइरल सेंटर दो कंपाउंड दिए हुए हैं एक तो आपको बेटा ये है ठीक ये रहेगा OH ये रहेगा ऐसे और ये ऐसे ठीक है ये है A इसमें जितने नंबर ऑफ काइरल सेंटर रहेंगे दैट इज A ठीक है और दूसरा वाला क्या है ये ऐसे और टेढ़ा मेरा बना के दिया है आपको परेशान करने के लिए लेकिन आसान है ठीक है यहाँ पे क्यों मिलेगा क्योंकि ये अलग यहाँ जाएंगे यहाँ पे तो अलग हो जाएगा यहाँ जाएंगे
तो b बराबर कितना मिलेंगे, कितने मिले 2, और a प्लस b कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक 34 का देखते हैं, बोलता है फॉलोइंग कंपाउंड नंबर ऑफ काइरल सेंटर एंड डिस्टेंस वाइज समर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा CH2COOH। ठीक है, उसके बाद CH2OH और ये हो जाएगा CH2OH और ये CH2OH। ऐसा नजर में काइरल सेंटर कहां का है, ये तो काइरल नहीं होगा क्योंकि H2 है यहां पे, ये होगा क्योंकि H CH2OH ये पूरा डिफरेंट, ये पूरा डिफरेंट, ये काइरल साथ ही साथ ये भी काइरल, H ये पूरा डिफरेंट, ये पूरा डिफरेंट और ये पूरा डिफरेंट, काइरल सेंटर हो गया। कंपाउंड क्या असिमेट्री, और असिमेट्री के इस्तेमाल करते हैं 2 रेस टू n इक्वल टू 2 रेस टू 2 बराबर 4, यानी आंसर आएगा 2 कॉमा 4 क्योंकि 2 काइरल सेंटर और असिमेट्री है और इसमें छोटा वाला इसमें से इक्वल टू 2 रेस टू n और सब का सब ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव होने की कोई बात ही नहीं निकलती। ठीक है, सो आंसर इज 2 कॉमा 4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो बोलता है रिलेशन बिटवीन द पेयर ऑफ कंपाउंड बिलो, रिलेशन बिटवीन पूछ रहा है बेटा इन दोनों दो स्ट्रक्चर जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आपके पास भी है क्वेश्चन, दोनों के बीच में एक क्या खींचो लाइन खींचो मिरर बनाओ। अब देखो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है, दैट्स आर द एनेंसियमर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आएंगे, बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स एज अ मेजर कंपाउंड। क्या है ये, मतलब बेसिकली आपको स्टीरियो आइसोमर्स इसमें देखना है। ठीक, तो आपका जो है ऑप्शन आएगा, आप देखेंगे ए में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ तरीके से मिल रहा है, बी में भी मिल रहा है, 1 3 पे एक 1 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 1 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और कोई है नहीं, और ना तो ये सिस बोला है ना तो ट्रांस बोला है, तो यहाँ पे ये आपको मिल रहा है। ऊपर से आपको डी में, ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा, काइरल लगे तो कोई बात ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एक पोजीशन पे क्या लगा है मिथाइल और दूसरे पे क्या लगा हुआ है इथाइल, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 37 के लिए यदि हम जाएंगे तो क्या बोलता है, हाउ मेनी सिमेट्री इज प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड। एक ही सिमेट्री बेटा मिलेगा, पेंटागन है आपका, 5 कार्बन के लिए नजर आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा नजर आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ क्या है आपका ऐसे करके मान लेते हैं ये एक ऐसे बनाएगा। ठीक है, तो ये H और Cl और ये क्या मान रहा है H और Cl, तो यहाँ से यदि आप कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, Cl के सामने Cl जाएगा, H के सामने H जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, एक ही POS मिलेगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 नोटबुक का क्वेश्चन है बेटा, उठाकर के आप देखो ये करवाया हुआ क्लास में 4 POS जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो कितने पीओएस मिल रहे हैं इसमें, 4 पीओएस जो है आपको मिलता होगा नजर आएगा। ठीक, नोटबुक में इतना उठा करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है बेटा नंबर ऑफ काइरल सेंटर प्रेजेंट इन इट, दोनों में एक एक काइरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक, एक बीच वाला का पहला ऑप्शन में पहला जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर उसमें बीच वाला कार्बन जो नजर आ रहा है, दूसरे वाले में मिडिल वाला कार्बन एकदम साफ नजर आ रहा है, तो 1.1 हो जाएगा ये। उसके बाद बोलता है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट आर, तो इसमें केवल 2 ही मिलेंगे स्टीरियो। ठीक है, कितने स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट आपको मिलेंगे, केवल 2 रिलेटेड, एक तो मिलेगा आपको डबल बॉन्ड जो नजर आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में और एक जो बगल में आपका क्या है काइरल सेंटर मिल रहे हैं वो। 41 की बात करें तो नंबर ऑफ काइरल सेंटर प्रेजेंट इन टार्टरिक एसिड एकदम साफ नजर आ रहा है, बस यहाँ पे ऊपर में क्या करते हैं सेम C डबल OH और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा C डबल OH। तो काइरल सेंटर की बात करें एक यहाँ और एक यहाँ, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज काइरल, तो काइरल के लिए क्या चाहिए बेटा आपको, असिमेट्री, ऑप्शन नंबर ए में कहीं से असिमेट्री नहीं है, सिमेट्री है, बीच में लाइन खींचेगा आपका ये क्या आ जाएगा आपका POS आ जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आएगा H, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा आपका H, ये आएगा आपका CH3 CL, तो ये यहाँ आपका मिलेगा POS, इसलिए ये काइरल नहीं है, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहां पे जो है वो बीआर प्रेजेंट है और बीआर प्रेजेंट है तो यहां पे आपका पीओएस जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे आपका जो है वो पीओएस नहीं मिलेगा, पीओएस नहीं मिलेगा और पीओएस नहीं मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, काइडल आपका कहलाएगा। ठीक है, काइडल आपका कहलाएगा। ठीक, यदि हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर कितने की बात करें, 42 तो हो गया ना, 43 की यदि हम बात करें तो बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज एस कॉन्फिगरेशन, तो आरएस कॉन्फिगरेशन हम पढ़े थे। यदि हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये आएगा एच, ये सीएल, ये आपका दिया हुआ बेटा CH2 CL और ये दिया हुआ CH3। क्या बोले हम लोग, सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसके बाद एटॉमिक मास पे चले जाते हैं। यदि एटॉमिक नंबर सेम है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड देन आफ्टर डबल बॉन्ड। ठीक है, वो सब पता है इमेजिनरी किस तरीके से बनता है, क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा इसका है 1, देन आफ्टर कौन सा हो जाएगा आपका 2। ये क्यों ले लिए बेटा, क्योंकि ये वाला दोनों क्या है कार्बन है सेम है, तो यदि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो जाए और अगला एटम प्रेजेंट है तो हम उसका एटॉमिक नंबर से ये करते हैं एस्टिमेट करते हैं। ये 2 हो गया, क्योंकि बारह में सीएल ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर आपका अवेलेबल है, फोर्थ प्रायोरिटी अवेलेबल है आपका कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अपने को कहाँ चाहिए होता है जनरली वर्टिकल पे, और वर्टिकल पे होता है तो 1 से 2 फोर्थ वाले पे ऐसे करना है 1, 2 और 3 वर्टिकल पे यदि रहता है तो 1, 2, 3 हम लोग यदि क्लॉक वाइज जाते हैं तो आर एंड क्लॉक वाइज जाते हैं एस, और यदि इसमें क्या करते हैं यदि आप हॉरिजॉन्टल पे है तो 1, 2, 3 कैसे जा रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का होता है एस अकॉर्डिंग टू, यदि वर्टिकल पे हो तो जस्ट उल्टा कर देंगे यहाँ पे तो हो जाता है अपना आर। लेकिन ये क्या होता है कि एस कॉन्फिगरेशन, तो ये क्या रहा बेटा आर, ये क्या रहा आर। यदि ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये हो गया बी की, यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा CH2 CL। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका CL और ये H और ये बेटा CH3। आप इस आपको ऑब्वियसली निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की क्यों नहीं जरूरत है बेटा, क्योंकि आप देखेंगे ये वाला और ये वाला में जो ऑप्शन नंबर ए हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें क्या है H और CH3 यहाँ, इसका भी सेम है H और CH3 यहाँ, बस ये वाला और ये वाला ऊपर नीचे चेंज हुआ, यानी ऊपर नीचे जो चेंज हुआ वो इवन इंटरचेंज है ऑड इंटरचेंज, यस ऑड इंटरचेंज, यानी एक बार चेंज हुआ है तो ऑड इंटरचेंज में हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि ऑड इंटरचेंज है तो उसमें कॉन्फिगरेशन विल चेंज एंड इवन इंटरचेंज कॉन्फिगरेशन विल रिमेन सेम। ऑड इंटरचेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा एस हो जाएगा एंड फाइनल आंसर इज बी। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें तो क्या बोलता है इसमें भी बेटा आर और एस कॉन्फिगरेशन, आर इसमें कॉन्फिगरेशन बोलता है तो देखें क्या है CH3 CH2 ये एच ये बीआर ये सीएच डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। क्या रहेंगे सबसे पहले प्लस एटॉमिक नंबर 1, देन उसके बाद ये जाएगा 2 क्योंकि ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे इमेजिनरी हम लोग बांध सकते हैं, याद आया ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। 4 कहाँ पे आ गया, यस 4 आ गया आपका वर्टिकल पे, यानी 1, 2, 3 किधर जाएंगे हम लोग एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉक वाइज जा रहे हैं ना, क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आर, ये क्वेश्चन में पूछ रहा आर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि ये जो दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं क्या स्ट्रक्चर है सीएल, 45 क्वेश्चन नंबर सीएल, ये है CH3 ये है आपका एच और ये है आपका बीआर एंड क्या दिया हुआ है सीएल एच ये बीआर और ये CH3 तो आपस में क्या है एंड व्हाट, यदि आप इसमें एक मिरर डाल दीजिएगा तो दोनों आपस में क्या नजर आ रहे हैं मिरर इमेज है क्या, नहीं मिरर इमेज तो नहीं है, अब मिरर इमेज नहीं है दोनों नॉट अ मिरर इमेज। ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे ये वाला तो सेम है, ठीक है सीएल और CH3 एक सेकंड इसमें चेंजेस लाए गए हैं, चेंजेस क्या लाया गया है एक सेकंड स्ट्रक्चर बदल गए हैं या स्ट्रक्चर इज सेम, तो क्या चेंजेस लाया गया है देखेंगे जरा सा क्या चेंजेस लाया है, तो CH3 को H को कहां CL सॉरी H को कहां ले गया है आपका ये वाला स्ट्रक्चर है तो H को कहां ले गया है यहां पे और CH3 को कहां ले गया है वहां पे, समझ में आया क्या किया है कॉन्फिगरेशन निकाल लेते हैं सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है क्या कर सकते हैं कॉन्फिगरेशन और दोनों का कॉन्फिगरेशन यदि सेम आ जाए अच्छा ठीक है ऐसा भी हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ये वाला CH3 देखेंगे इसने क्या किया है देखेंगे ये बीआर है और यहाँ सीएल है तो सीएल का पोजीशन फिक्स है सीएल के
पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आया, चेंजेस केवल किस चीज के पोजीशन में आया है, HCl, CH3 और Br। तो CH3 को कहां ले गए हैं हम लोग, CH3 कहां चला गया, यहां पे, ठीक है, और Br कहां गया, यहां पे, ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोला, Br कहां गया यहां पे और CH3 कहां गया यहां पे, पहला एक्शन, पहला एक्शन ये हुआ, पहला इंटरचेंज ये हुआ, ठीक। और दूसरा क्या है कि जो Br यहां पे आया और CH3 यहां पे पहुंच गया, तो CH3 अब आपको यहां नजर आने लगा, Br यहां, उसके बाद H को यहां कर दिया और Br को यहां कर दिया, दैट इज सेकंड, यानी कि ये हो गया आपका इवन इंटरचेंज, और इवन इंटरचेंज का मतलब कि कॉन्फिगरेशन जो इसका था वही कॉन्फिगरेशन इसका है, दोनों मिरर इमेज को है नहीं, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, और डाइसो मेसो बोल नहीं सकते क्योंकि मेसो के लिए एटलीस्ट टू काइरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, मिरर इमेज नहीं है, काइरल सेंटर में कॉन्फिगरेशन चेंज है, ठीक है, सॉरी कॉन्फिगरेशन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइस्टेरोमर, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। बोलता हाउ मेनी